सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। सो गाइस, यहाँ पे हमारे पास दो बोल्ट की स्मार्ट वॉच आ गई है। ये है हमारे पास बोल्ट की क्राउन नेक्स जो कि अभी लॉन्च हुई थी, एंड दूसरी तरफ ये है बोल्ट की ही स्विंग। सो गाइस, दोनों स्मार्ट वॉच आती है अंडर 2000 रुपीज़। तो गाइस, मैंने सोचा क्यों ना इन दोनों स्मार्ट वॉच का कंपेरिजन का वीडियो लाया जाए एंड आपको बताया जाए कि आपको बोल्ट की क्राउन एक्स को परचेज करना चाहिए या फिर बोल्ट की स्विंग को। बिल्ड एंड डिजाइन से स्टार्ट करेंगे, फीचर्स एंड कॉलिंग टेस्ट करेंगे फिर, एंड गाइस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि या भी आपको बोल्ट की क्राउन एक्स को परचेज करना चाहिए या फिर स्विंग को। सो गाइस, वीडियो को कंप्लीट देखेगा एंड गाइस दोनों की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू की डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो गाइस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया या फिर आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। गाइस, आप भी जेन्युइन रिव्यूज देखना चाहते हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गाइस इस चैनल पर तो आपको जेन्युइन रिव्यूज ही मिलने वाले, क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स मैं खुद लेता हूँ एंड आपके लिए जेन्युइन रिव्यूज लाते रहता हूँ। सो गाइस, आप भी जेन्युइन रिव्यूज देखना चाहते हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड गाइस 5K सब्सक्राइबर्स होते ही 5 स्मार्ट वॉच एंड 5 एयरबड्स का गिव अवे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो गाइस स्टार्ट करते हैं इन दोनों स्मार्ट वॉच के कंपैरिजन। इस तरफ है बोल्ट की क्राउन एक्स एंड दूसरी तरफ है बोल्ट की स्विंग। जब बात करो दोनों की बिल्ड एंड डिजाइन की तो गाइस दोनों में जिंक एलॉय मटेरियल यूज किया है, दोनों में यहाँ पे पुश बटन है एंड क्राउन एक्स में आपको एक क्राउन भी दिया गया है जो कि वर्किंग है। यहाँ पे आप जैसे कि देख ही सकते हो। बात करूँ पीछे की साइड तो गाइस पॉलीकार्बोनेट मटेरियल यूज किया है जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो। चार्जिंग पोर्ट दिया गया, हार्ट रेट स्पीड सेंसर्स एंड रिप्लेसेबल स्ट्रैप्स है तो स्ट्रैप्स को भी चेंज हो कर सकते हो। एंड बोल्ट क्राउन एक्स का मुझे काफ़ी बढ़िया लगा जो कि फिनिशिंग है एंड यहाँ पे जो ब्रीथेबल स्ट्रैप है बोल्ट स्विंग के मुकाबले। सो गाइस बिल्ट एंड डिजाइन में तो मुझे बोल्ट क्राउन एक्स है वो अच्छी लगी है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। जब बात करो डिस्प्ले की तो गाइस बोल्ट स्विंग में आपको 1.9 इंच का डिस्प्ले मिलता है एंड बोल्ट क्राउन एक्स में यहाँ पे आपको 2 इंच का एचडी डिस्प्ले वो प्रोवाइड किया है। बात करूँ फीचर्स की तो गाइस नीचे स्वाइप करते हैं सारे को क्विक शॉर्टकट्स दिख जाएंगे। लेफ्ट साइड स्वाइप करते हैं यहाँ पे आपको स्प्लिट स्क्रीन है एंड क्राउन एक्स में फीचर्स शो हो जाते हैं एंड बोल्ट स्विंग में यहाँ पे आपको इस बटन पर टैप करना तो भी फीचर्स शो हो जाते हैं। सो गाइस फीचर्स के बारे में तो बाद में बात करेंगे। राइट साइड स्वाइप करेंगे दोनों में तो यहाँ पे एक्टिविटी डेटाज, फोन कॉल, हार्ट रेट, SpO2, स्लीप मॉनिटरिंग, म्यूजिक कंट्रोल एंड वेदर का अपडेट हो दिया गया एंड यहाँ से आप ऐड कंपोनेंट्स हो कर सकते हो। सो गाइस यहाँ पे बात कर लेंगे दोनों के सिमिलर फीचर्स की सपोर्ट। सो गाइस दोनों में यहाँ पे आपको फोन कॉल का सपोर्ट दिया गया, एक्टिविटी डेटा, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट रिकॉर्ड्स एंड गाइस यहाँ पे स्पोर्ट्स की बात करो तो गाइस बोल्ट स्विंग में यहाँ पे आपको 100 स्पोर्ट मोड्स दिए गए एंड यहाँ पे 120 स्पोर्ट मोड्स दिए गए क्राउन एक्स में एंड दोनों में रिकॉर्डिंग सपोर्ट है वो दिया गया, स्पोर्ट्स रिकॉर्ड, म्यूजिक कंट्रोल, कैमरा कंट्रोल, फाइंड माय फोन, ई कार्ड, क्लॉक दिया गया, वेदर अपडेट, कैलकुलेटर प्रोवाइड किए, गेम्स है, वॉइस असिस्टेंट एंड यहाँ पे सारे फीचर्स वो दिए जाते हैं। जब बात करो डिफरेंट फीचर्स के तो गाइस बोल्ट क्राउन एक्स में यहाँ पे आपको गेम एंड इनबिल्ट कैलकुलेटर है वो दिया गया एंड बोल्ट स्विंग में सोशल के लिंक्स दिए गए एंड UPI QR कोड यहाँ पे शो है वो हो जाती है। तो गाइस ये थे दोनों के डिफरेंस, बाकी सारे फीचर्स तो दोनों में सिमिलर है वो दिए गए। सो गाइस यहाँ पे नीचे का बटन है वो स्पोर्ट मोड्स की तरफ लेके जाएगा बोल्ट क्राउन एक्स में एंड बोल्ट स्विंग में तो आपको एक ही पुश बटन है वो दिया जाता है। सो गाइस ये थे इनके फीचर्स, फटाफट से कर लेते हैं इनका हेल्थ सूट। यहाँ पे हम ऑक्सीमीटर को ऑन है वो कर देते हैं तो यहाँ पे ऑन हो गया। तो अभी बोल्ट क्राउन एक्स की बारी आ चुकी है तो यहाँ से हम हार्ट रेट को ऑन है वो कर देते तो बोल्ट हेल्थ पे चले जाएंगे एंड हार्ट रेट पे ऑन कर देंगे। तो यहाँ पे मेजर कर रहा है बोल्ट स्विंग को भी, यहाँ पे हम ऑन है वो कर देते हैं तो ये रहा हमारा हार्ट रेट एंड यहाँ पे ऑन है वो हो गया है। यहाँ पे 79 बता रहा है, यहाँ पे भी 79, यहाँ पे 83 शो कर रहा है, यहाँ पे 78 एंड गाइस यहाँ पे 69 बता रहा है। तो गाइस क्राउन एक्स थोड़ा यहाँ पे दूर जा रहा है। तो गाइस हार्ट रेट की एक्यूरेसी दोनों की यहाँ पे ठीक ठाक ही कहना चाहूँगा, हार्ट रेट तो काफ़ी बढ़िया था मगर गाइस जैसे भी बोलता हूँ अगर आप सीरियस हेल्थ इश्यूज के साथ सफर कर रहे हो तो ये स्मार्ट वॉच पे रिलाय मत कीजिए। आप मेडिकल इंस्ट्रूमेंट ले सकते हो या फिर डॉक्टर का कंसल्ट हो ले सकते हो। सो गाइस ये जो स्मार्ट वॉच होते हैं वो सिर्फ डेली आइडियाज के लिए होती है। सो गाइस SpO2 को भी यहाँ पे हम देख लेंगे। सो गाइस यहाँ पे दोनों में 97 बता रहा है यहाँ पे। सो गाइस यहाँ पे नीचे दोनों स्मार्ट वॉच रख दिए एंड बोल्ट स्विंग बता रही है नॉट वेयरिंग द वॉच प्रॉपरली, तो गाइस ये फेक रीडिंग नहीं बता रही है। एंड बोल्ट क्राउन एक्स में तो हार्ट रेट यहाँ पे शो कर रहा है 82। सो गाइस जब बात करूँ आउटडोर ब्राइटनेस की तो दोनों स्मार्ट वॉच में यहाँ पे आपको 1000 निट्स की आउटडोर ब्राइटनेस है वो दी जाती है। तो गाइस आउटडोर में मैंने स्मार्ट वॉच को यूज किया तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं, फीचर्स एंड टाइम काफी विजिबल था। हेलो हेलो, हाँ भाई क्या कर रहे हो? कुछ नहीं ऐसे ही बैठे। हाँ तो अभी आवाज कैसी आ रही है आपको? आवाज अच्छी आ रही है, क्या हुआ? आपको क्या लगता है फोन से बात कर रहे हो या स्मार्ट वॉच से? फोन से बात कर रहा हूँ ऑफ कोर्स। नहीं नहीं ये बोल्ट क्राउन एक्स था ना तो स्मार्ट वॉच का कंपैरिजन कर रहा था तो आवाज अच्छी है क्या इसकी? हाँ आवाज अच्छी है। हाँ तो अभी बोल्ट स्विंग से बात कर लेते और आप मुझे बाद में बता देना कि किसका आवाज अच्छा है, ठीक है? ठीक है। हेलो हेलो, हाँ भाई आवाज आ रही है? हाँ आ रही है भाई, बोलो ना।
हाँ तो अभी वो बोल्ट स्विंग स्मार्ट वॉच था ना, तो उससे बात कर रहा था। तो इसमें से आवाज़ किसका अच्छा लगा, बोल्ट क्राउन एक्स या फिर बोल्ट की स्विंग का, इसका अच्छा लग रहा है या पहले वाले का? पहले वाले का ज़्यादा अच्छा था। पहले वाले का ज़्यादा अच्छा लगा। एंड गैस जब बात करूँ वाटर रेजिस्टेंस की, तो गैस दोनों स्मार्ट वॉच में IP67 वाटर रेजिस्टेंस है। मीन्स गैस 1 मीटर तक ये डेप्थ में जा सकती है एंड 30 मिनट्स तक ये स्मार्ट वॉच है ना अलग रह सकती है। एंड गैस बाद में आपकी स्मार्ट वॉच है वो बिगड़ जाएगी अगर ज़्यादा भीगे, क्योंकि यहाँ पे आपको IP68 प्रोवाइड है वो नहीं करा। दोस्तों यहाँ पर बात करूँ बैटरी बैकअप की, तो गैस 5 डेज विदाउट कॉलिंग यहाँ पे आपका बैटरी वो चल जाएगा एंड 1.5 डेज से 2 दिन तक कॉलिंग के साथ चल जाता है। तो गाइस आ जाते हैं हमारे मेन कंक्लूजन की तरफ। तो आपको बोल्ट की क्राउन एक्स को परचेज करना चाहिए या फिर बोल्ट की स्विंग को। सो गाइस मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करो तो आप बोल्ट क्राउन एक्स की तरफ जा सकते हो। ये स्मार्ट वॉच काफ़ी बढ़िया है 1500 में। एंड गाइस इसका प्राइस जैसे कि 1700-1600 चल रहा रहेगा। तो गाइस इतने प्राइस पॉइंट में ये जस्टिफाई तो नहीं करती, पहले ये जस्टिफाई करती थी, ये काफ़ी बढ़िया स्मार्ट वॉच होया करती थी। एंड गाइस अभी तो काफ़ी मार्केट में यहाँ पे अच्छी अच्छी स्मार्ट वॉच आने लगे, लुक वाइज बिल्ट एंड डिजाइन वाइज फीचर्स के मामले में भी यहाँ पे बोल्ट क्राउन एक्स जीत जाती है बोल्ट स्विंग के मुकाबले। मैंने तो आपको सारी चीज़ें लाइव ही बता दिया, तो आप पता कर सकते हो कि आपको बोल्ट क्राउन एक्स की तरफ जाना चाहिए या फिर बोल्ट स्विंग की तरफ। सो गाइस मिलता है अगले वीडियो में किस नए ड्रेसिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू दोस्तों।